ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। यह अत्यंत महत्वपूर्ण संदर्भ है, विषय है, जिसे सभी भक्तों को गौरपूर्वक समझना चाहिए। यहां पर चार कुमार भी भगवान के भक्त हैं और भगवान के दो द्वारपाल भी भगवान के भक्त हैं। इन दोनों में जब ये चार कुमार, क्योंकि इन चार कुमारों में भगवान के दर्शन की अत्यंत आतुरता थी और वो भौतिक संसार से पूर्ण रूप से मुक्त थे, योग्य थे, उनके मन में द्वंद नहीं था। ये योग्यता प्राप्त करने के कारण उनका वैकुंठ धाम में प्रवेश का अधिकार था, क्योंकि उनके अंदर में ये योग्यताएं थी, क्वालिफिकेशन थी। योग्यता होने के उपरांत उसके बावजूद भी जो ये भगवान के द्वारपाल थे, ये नहीं समझ सके कि ये भगवान के महान भक्त हैं, भगवान के दर्शन के लिए यहां पर आए हैं। ये ना समझने के कारण उनके मन में द्वंद था, तो उन्होंने अपने डंडे के द्वारा इन चारों कुमारों को रोक दिया, अपराध किया। ये चार कुमार आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, जब उन्होंने देखा वैकुंठ धाम में, जहां पर द्वंद नहीं होना चाहिए, ड्वैलिटी नहीं होनी चाहिए, यहां पर भगवान के भक्त के रूप में दो व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें ये ज्ञान नहीं है, भक्त कौन है, अभक्त कौन है, और जिन्होंने घोर अपराध किया इन चारों कुमारों को रोककर। इसलिए उन्होंने विचार विमर्श किया कि इनको दंड देना उपयुक्त है, मतलब भक्ति में भी दंड मिलता है, हमें सावधान रहना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना मैं भक्ति में आ गया हूं, अब मैं चारों सारे ट्रांसेंडेंटल, अब मुझे कोई कुछ नहीं बोल सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, जो मन में आए कर सकता हूं, ट्रांसेंडेंटल हूं, है ना। कई बार हम लोग ऐसे विचार कर लेते हैं और इसलिए कई बार हम जो है, नहीं मैं डिवोटी हूं, डिवोटी हूं,
मैं किसी को भी कुछ बोल सकता, कुछ भी कर सकता। कई बार हम लोग ऐसा विचार करते हैं। यहां पर यह बड़ा समझने लायक विषय है। देखिए क्या विषय है। चार कुमारों ने यह विचार विमर्श किया है, ये जो भगवान के दो भक्त हैं, जो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, देखिए ऑलरेडी सेवा में रत हैं, भगवान का पहरेदारी कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपराध किया है, अब इनकी सेवा छूटने वाली है इनके हाथों से। मतलब हमें भी कितना सावधान रहना चाहिए कि मैं भगवान की सेवा में आया हूं, अगर मैं कुछ ऐसा काम करता हूं जो भगवान के भक्तों के विरोध में है, जो भगवान के भक्तों के लिए अपराध है, भगवान ऐसी सिचुएशन ऐसी परिस्थिति पैदा कर सकते हैं जिससे भगवान की सेवा हमारे हाथों से निकल सकती है। हमें सावधान रहना चाहिए कि नहीं, महत्वपूर्ण है ये, यहां पर हम लोग देख रहे हैं। लेकिन यह भी समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो सजा चार कुमार अब इन दो द्वारपालों को देने वाले हैं, जो दो अन्य भक्त थे भगवान के, उनको जो देने वाले हैं, वो उनके लिए भी श्रेष्ठ है। ये जो विषय है बड़ा महत्वपूर्ण है, भक्तों के बीच में किस प्रकार का आदान प्रदान सही प्रकार से होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसे जरा समझने का सही प्रकार से प्रयास कीजिए। देखिए यहां पर हम देखेंगे दो द्वारपालों ने ये सजा बड़े ही नम्रता पूर्वक ली। उन्होंने नहीं कहा अरे हम भगवान के डिवोटी हैं, हमारा अधिकार बनता है, हम द्वारपाल हैं, ये हमारे ऊपर है, किसको अंदर आना है किसको अंदर नहीं आना है हमारे ऊपर है, हमने अपना अपनी सेवा की, ये हमारी सर्विस थी, सिक्योरिटी गार्ड की सर्विस होती है ना, किसको अंदर आना है किसको नहीं अंदर आना है वो उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो वो चाहते तो इस प्रकार से वार्तालाप कर सकते थे, आर्ग्यूमेंट कर सकते थे, लेकिन वो भी भगवान के भक्त थे, क्योंकि वो भगवान के भक्त थे, तुरंत उनकी समझ में आ गया हमने अपराध किया है। ये भक्त के लक्षण है, जो भक्ति में है नाम मात्र से अपराध करने के बावजूद भी कहते हैं मेरी कोई गलती नहीं है, सब आपकी गलती है, मेरी कोई गलती नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, अभक्त है, भक्त के लक्षण नहीं है उसके अंदर। यहां पर हम देख रहे हैं अब जो है चार कुमारों ने यह निर्णय लिया है कि इन दो भक्तों को ये सजा महत्वपूर्ण है। और ये सजा क्यों है, क्योंकि इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। सजा देने के लिए देखिए पिताजी कई बार जो है बेटे को थप्पड़ मारता है, प्यार से भी समझाता है, जब प्यार से नहीं समझता है तो कई बार थप्पड़ मारना पड़ता है। डॉक्टर जो है पेशेंट को अगर चाहे तो जब परिस्थिति ऐसी है तो एक गोली दे सकता है, मीठी दवाई दे सकता है, लेकिन कई बार ऑपरेशन करना पड़ता है, हाथ भी काटना पड़ता है, पांव भी काटना पड़ता है। तो ये ऐसा नहीं है कि डॉक्टर उसको परेशान कर रहा है, नहीं, वो जो मरीज है उसने ऐसी परिस्थिति बना ली है कि अब दवाइयों से काम चलने वाला नहीं है, अब उसे ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा अगर उसे जिंदा रहना है तो। इसी प्रकार पिताजी ने
बेटे को बहुत समझा लिया, बेटा ये नहीं करना वो नहीं करना, जब उसकी समझ में नहीं आ रहा तो क्या करेगा, फाइनली थप्पड़ मारेगा। थप्पड़ मार करके सही रास्ते पर ले। प्यार से भी वही है, प्यार से मना करके भी सीधे रास्ते पर, लेकिन जब नहीं माना तो क्या करना है, फाइनली दंड देना पड़ता है। तो ठीक इसी प्रकार इन चार कुमारों ने यह निर्णय लिया कि अब इनको दंड देना ही पड़ेगा। दंड देने से क्या होगा, इन्होंने जो गलती की है वो उनकी समझ में आएगी, जिसके द्वारा ये शुद्ध हो जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण है, जब हमें गलती समझ में आ जाती है, कई बार क्या होता है जब दंड नहीं मिलता है तो गलती समझ में भी नहीं आती है, और अगर गलती समझ में नहीं आएगी तो हम शुद्ध नहीं हो सकते हैं। एक बार मैं अपने जीवन की कथा बताता हूं, और मैं बड़ा धन्यवाद देता हूं अपनी अथॉरिटी का कि उन्होंने मुझे वो सजा दी। क्या हुआ, शुरुआत में जब मैं जस्ट कनिष्ठ भक्त के रूप में जब मैंने मंदिर में प्रवेश किया तो मैं सोचता था मैं ही एक हूं जो बड़े ध्यान से भगवत कथा सुनता हूं। तो कई बार मैं देखता था कि कुछ भक्त लोग जो हैं भागवत सुनते सुनते सो जाते थे, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो भागवत कथा के समय में जब प्रश्न उत्तर होते थे तब मैं ये प्रश्न पूछता था, प्रभु जी भागवत कथा इतनी महत्वपूर्ण कथा चल रही है और कुछ भक्त लोग सो रहे हैं, ऐसा क्यों है? खड़ा होकर के मैं प्रश्न पूछता था। तो प्रभु जी ने समझाया, नहीं देखो भक्त लोग बड़े जो है सवेरे से लेकर के 3 बजे उठते हैं, 3:30 बजे उठते हैं, और पूरे दिन जो कर्मी लोग होते हैं वो 8 घंटे काम करते हैं, लेकिन भक्त लोग 12 घंटे से भी ऊपर काम करते हैं, सवेरे से लेकर के केवल सेवा में लगे रहते हैं, तो हो सकता है थकान के कारण कई बार उनको नींद आ जाती। इस प्रकार से समझाने का प्रयास किया, लेकिन मेरी समझ के बाहर था। 2-3 बार ऐसा प्रश्न पूछा। एक बार क्या हुआ, फाइनली मीटिंग चल रही थी, बड़ी महत्वपूर्ण जो है मीटिंग चल रही थी, तो वो मीटिंग में भी मैंने देखा कि एक भक्त जो है आराम से सो रहा, तो मैं खड़ा हो गया मीटिंग में, और खड़ा होकर के मैंने कहा कि प्रभु जी इतनी महत्वपूर्ण मीटिंग चल रही है और मीटिंग में भी डिवोटी लोग सो रहे हैं। तब जो है जो हमारे कृष्णा भावनामृत में वरिष्ठ भक्त मधु पंडित प्रभु हैं, उन्होंने 1 घंटे तक लेफ्ट एंड राइट मीटिंग नहीं हुई उस दिन। फिर 1 घंटे तक केवल क्लास चली, और उन्होंने कहा कि तुम क्या सोचते हो, ये तुम्हारा अधिकार है ये पूछने का, कौन सो रहा है कौन नहीं सो रहा है, ये तुम्हारा क्या काम है, ये टेंपल की अथॉरिटी का काम है, गुरु का काम होता है। किसी के अंदर में ये तुम्हारे में गलती है वो तुम्हारे में गलती है, हमारा कोई उसमें दिलचस्पी नहीं रहनी चाहिए, हमारा काम नहीं है वो। वो गुरु या गुरु के द्वारा, जैसे टेंपल प्रेसिडेंट होता है, टेंपल कमांडर होता है, उनको देखनी पड़ती है, उनका ये काम है, वो देखना नहीं चाहते हैं लेकिन उनको देखना पड़ता है, तो उनका काम है। तो उन्होंने कहा 2 महीने तक लगातार तुम्हें इन भक्तों के बर्तनों को मांझना पड़ेगा, तब तुम्हारे सर में अकल आएगी। तो भगवान की कृपा थी और मेरी भी समझ में आ गया। तो तुरंत जो है मैंने ग्रहण किया कि यस दिस इज माय मिस्टेक, ये मेरी गलती है और मुझे सजा भुगतनी पड़ेगी।
तो एक महीने तक लगातार मैंने जो है भक्तों के वेसल्स और बड़े बड़े भांडे जो है क्लीन किए, वॉशिंग किए। तो एक बार एक डिवोटी ने जाकर के देखा, क्योंकि लगातार पानी में पांव रखने से मेरे पांव में फंगस आ गई। तब उन्होंने मधु पंडित प्रभु से जाकर के कहा, प्रभु अब तो छोड़ दो, एक महीना हो गया है, काफी है। उनके पांव में छाले पड़ गए, तब जाकर के जो है रिलीव हुआ। आज तक मुझे वो याद है। तो हमें ये समझना है, भगवान की भक्ति में सजा भी जो है किस लिए होती है। तो कई बार हमें सजा भुगतनी पड़ती है हमारी भलाई के लिए, क्योंकि जो हमारी बुद्धि फिर गई है, जो हमारे में कल्मषता आ गई है, जो इम्प्यूरिटी आ गई है, उसको प्यूरिफाई करने के लिए, उसको शुद्ध करने के लिए। तो ठीक इसी प्रकार यहां पर इन चार कुमारों ने इन दो भक्तों को ये जो सजा दी है, ये महत्वपूर्ण है। दोनों भी महत्वपूर्ण है। चार कुमार इस स्थिति में है, इस पोजीशन में है कि वो सजा दे सकते हैं। अगर हम उस स्थिति में नहीं है तो हमें सजा नहीं देनी चाहिए, हमारा अधिकार नहीं है। पुलिस सजा दे सकती है, आम नागरिक अगर सोचे कि भाई ये चोरी कर रहा है मैं इसे सजा दूंगा, नहीं, वो हमारा काम नहीं है। ये भी हमें समझना है। तो सजा कौन दे सकता है, ये भी महत्वपूर्ण है। दूसरा, सजा अगर हम भक्त हैं, हमें किस प्रकार से भुगतनी चाहिए, किसी पर किस प्रकार से हमें से स्वीकार करना चाहिए, ये इन दो द्वारपालों से सीखना है। ये यहां पर इसका विवरण दिया गया है। क्या विवरण दिया है, देखिए। तो यहां पर कहा है, तेषां इतिरितम्। तेषां मतलब चार कुमारों के बारे में कहा गया है। ये द्वारपालों ने देखा ये चार कुमार आपस में कुछ वार्तालाप कर रहे हैं और उन्होंने सुन लिया। वो क्या वार्तालाप कर रहे थे, ये वैकुंठ लोक में भगवान के भक्त के रूप में ये जो द्वारपाल खड़े हैं, इनके मन में कहां से द्वंद आ गया, ये वैकुंठ लोक में रहने के लायक नहीं है, ये द्वंद लोक में जाना चाहिए। इनके मन में द्वंद है, ये भौतिक संसार में भी द्वंद है, वैकुंठ लोक में द्वंद नहीं है, ये गलती से यहां पर आ गए लगता है, इन्हें दोबारा भौतिक संसार में जाना चाहिए। जब इस प्रकार से सुना, तेषां इति ईरितम्, उभौ, उभौ मतलब ये दोनों द्वारपाल, अवधारया, अवधारया मतलब तुरंत उनकी समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया, घोरम, हम लोगों ने घोर अपराध किया है। देखिए हम लोग बड़े पफ्तम होते हैं, प्राइड, भगवान की भक्ति में क्या आ गए, नहीं 10 साल हो गए मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूं, तुम कौन हो, भगवान की भक्ति में ये नहीं, भगवान की भक्ति शो बॉटल नहीं है। हमें समझना है, कंठी माला पहन ली, एक चैंटिंग बैग टांग लिया, ये मेरा पासपोर्ट है, कहीं पर भी जाओ कुछ भी करो, है ना, हम लोग कई बार ऐसा सोचते हैं। पुलिसमैन अगर पुलिस की ड्रेस में, इसका मतलब ये नहीं कि जो मर्ज में आए करे, सबको लाठी मारेगा, नहीं। तो ये हमें समझना है, भगवान की भक्ति में किस प्रकार से हमें आपस में आदान प्रदान करना है, किस प्रकार से भक्ति करनी है, ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है। मूर्ख लोगों के लिए भक्ति नहीं है। जो अकलमंद है, भागवत में भी कहा है, क्या कहा है भागवत में, कौन बताएगा, कलयुग में संकीर्तन यज्ञ प्राये यजंती ही
सुमेधशा अल्पमेधशा नहीं, मूर्ख नहीं, सुमेधशा जो इंटेलिजेंट है वही भगवान की भक्ति में आगे चल सकता है। तो उनको समझ में आ गया कि हमने घोर अपराध किया है। और क्या समझ में आया? तम ब्रह्मदंडम अनिवारणम अस्त्र पुगई ही। उनको समझ में यह भी आ गया हमने जो घोर अपराध किया है उसका कोई निवारण नहीं है, कोई अस्त्र के द्वारा भी निवारण नहीं है। ये भक्तों की समझ में आ जाना चाहिए। भक्तों के प्रति अगर हम अपराध करते हैं उसका कोई निवारण नहीं है। भगवान कृष्ण स्वयं वो भी क्षमा नहीं कर सकते हैं। जब दुर्वासा मुनि ने अमरीश महाराज ऐसे महान भक्त के प्रति अपराध किया तो सब जगह गए, कैलाश पहुंच गए, इंद्रलोक चले गए, ब्रह्मलोक चले गए कि मुझे कहीं पर तो जाकर के जो है निवारण मिलेगा, छुटकारा मिलेगा। कहीं पर भी उनको छुटकारा नहीं मिला। तब सोचे कम से कम विष्णु का ही तो चक्र है सुदर्शन चक्र, उनसे तो जरूर निवारण मिलेगा। विष्णु के पास में भी पहुंच गए, भगवान ने भी कह दिया कि नहीं मैं भी तुम्हें निवारण नहीं दे सकता, केवल एकमात्र जिनके प्रति तुमने अपराध किया है उनसे क्षमा याचना करो, अगर उन्होंने तुम्हें क्षमा कर दिया तो इसका निवारण है, अन्यथा कोई निवारण नहीं है। ये हम लोग एक गीत में भी गाते हैं, एक बड़ा सुंदर गीत है जिसमें कहते हैं कि अगर हम हरि नाम के प्रति अपराध करते हैं तो तारे हरि नाम, हम बार बार जप करेंगे, बार बार जप करेंगे तो हरि नाम के प्रति जो अपराध है जप करने से वो अपराध निकल जाएगा। लेकिन भगवान के भक्तों के प्रति अपराध करेंगे तो कहते हैं उसका कोई निवारण नहीं है। तो ये समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इनकी समझ में आ गया इसका कोई निवारण नहीं है, कोई अस्त्र ऐसा नहीं है जिसके द्वारा हम इसका निवारण कर सके। आगे फिर उनकी रिएक्शन क्या हुई ये भी बड़ा महत्वपूर्ण। देखिए हमारे को कोई सजा सुनाए हमारा रिएक्शन क्या होगा, हम किस प्रकार से उस परिस्थिति में जो है पेश आएंगे अलग रहेंगे। यहां पर इन दो भक्तों ने किस प्रकार से इस परिस्थिति को स्वीकार किया यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन्होंने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं की क्योंकि उनकी समझ में आ गया गलती हमारी है। समझने के बाद उन्होंने क्या किया, तुरंत इमीडिएटली उन्होंने जो है धरती पर गिर गए और बड़े ही भय के साथ, बड़े ही आतुरता एंग्जाइटी उस प्रकार से उनके जो है चारों कुमार के चरण कमलों को पकड़ लिए। ये संदर्भ भी बड़ा महत्वपूर्ण है। हमें भगवान की भक्ति करते समय एक ही मात्र भय रहना चाहिए और कोई भय नहीं है। एक ही मात्र भगवान के भक्त को भय है, मृत्यु का भी भय नहीं है भगवान के भक्तों को। भगवान का भक्त कहते हैं नरक लोक में भी चला जाए तो भी उसको भय नहीं है। एकमात्र भय क्या है, भगवान के भक्तों के संग से भगवान की भक्ति, उससे कहीं मुझे जो है अलग ना होना पड़े, ऐसी परिस्थिति ना आ जाए। वो भय हमेशा रहना चाहिए। वो भय रहेगा तो हम लोग अपराध नहीं करेंगे। वो भय अगर नहीं है तो हम लोग सोचेंगे मेरी मर्जी कुछ भी करूं,
भगवान क्षमा कर देगा, मैं चैंटिंग कर रहा हूं सब देख लेगा भगवान, नहीं भगवान सब देख रहा है, भगवान ने देखा, भगवान आएंगे, केवल भगवान क्या करेंगे, आने के बाद में कहते हैं कि यस तुम दो द्वारपालों ने अपने स्वामी के हृदय को नहीं पहचाना और इसलिए तुमने अपराध किया, इसकी सजा तो तुम्हें मिलनी है। लेकिन उन्होंने निवेदन किया, भगवान ने स्वयं ऑन बिहाफ, देखिए उनके भक्तों ने अपराध किया लेकिन भगवान कह रहे हैं मुझे सजा दे दो, चारों कुमारों को कहते और कहते कम से कम ऐसा तो करो, क्योंकि बोलते हैं सर्वेंट ने किया एक्चुअली मास्टर उसका अपराधी होता है, सेवक ने किया तो उसका श्रेय जो है किसको जाएगा, मास्टर को जाएगा, स्वामी को जाएगा। तो भगवान कहते हैं कम से कम ऐसा करो, इनकी पनिशमेंट जो सजा है उसको छोटा कर दो, ज्यादा समय तक इन्हें भौतिक संसार में ना रहना पड़े। लेकिन फिर भी 3 लाइफ टाइम रहना पड़ा, 3 जन्मों तक उन्हें जो है असुरों के रूप में भौतिक संसार में जन्म लेना पड़ा, भगवान की भक्ति से विमुख हो गए, कहां भगवान के पहरेदारी करते थे, रोज भगवान की सेवा में लगे रहते थे, लेकिन अपराध करने के कारण भगवान की सेवा चली गई। लेकिन भगवान की भक्ति फाइनली टूटती नहीं है, भगवान किसी न किसी प्रकार से कैसे भक्तों को, जो भक्त पश्चाताप करता है मैंने गलती की है, जो दुष्ट ऐसा सोचता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कोई गलती नहीं की है, वैसा व्यक्ति एक्चुअली भगवान की भक्ति करने लायक नहीं। तो इनको जो अपराध जो इन्होंने किया किस प्रकार से उन्होंने स्वीकार किया अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने तुरंत स्वीकार किया कि हमारी गलती है और हमें क्षमा याचना करनी चाहिए, तुरंत उनके पांव में पड़ गए और क्षमा याचना पूछने लगे। तात्पर्य में और बहुत महत्वपूर्ण चीजें प्रभुपाद जी बता रहे हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं यद्यपि संयोगवश द्वारपालों ने ब्राह्मणों को वैकुंठ के द्वार में प्रवेश करने से रोककर भूल की थी, गलती की थी, लेकिन वो गलती कैसे हुई, बाय चांस, संयोगवश, जानबूझ करके उन्होंने गलती नहीं की है। जानबूझ करके जो गलती करता है उसका कोई निवारण नहीं। अगर हम लोग ये सोच लें मैं डिवोटी हूं, अब कोई भी कुकर्म कर लेता हूं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाहर से सब रिस्पेक्ट दे रहे हैं, किसी के पास में भी जाता हूं सब हरे कृष्णा बोलते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाहर से रहूंगा डिवोटी, अंदर से मुझे जो करना है करूंगा। सिनेमा देखने चला गया, बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, औरतों के पीछे भाग रहा है, और बाद में चैंटिंग कर रहा है हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मतलब क्या है, भक्ति को उसने लाइसेंस बना लिया है, अपराध करता रहूंगा, पाप कर्म करता रहूंगा, बाद में भगवान का नाम ले लूंगा। मतलब क्या है, जान बूझ करके जो व्यक्ति गलती करता है उसका कोई निवारण नहीं। एक्सीडेंटल, भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं एक्सीडेंटल फॉल डाउन को भगवान प्रोटेक्शन देते हैं, जो जानबूझ करके करता है भगवान उसको क्यों प्रोटेक्शन देगा, यह हमें समझना है। तो अगर हमें लोगों से रिस्पेक्ट मिलती है उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे सर के ऊपर है, किस प्रकार से
हमें अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार से स्वीकार करना है, व्यवहार करना है, ये हमें भगवान की भक्ति में सीखना है। इसे बोलते हैं वैष्णवा एटिकेट्स। वैष्णवों में बाहर के लोगों के साथ में किस प्रकार से पेश आना है, किस प्रकार से हर एक परिस्थिति में हमें व्यवहार करना है, किस प्रकार से कार्य करना है, ये वैष्णवा बिहेवियर है, वैष्णवा एटिकेट है। इसे हमें सही प्रकार से समझना है, सीखना है। तो यहां पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं, संयोगवश अगर भगवान का भक्त गलती करता है, जैसे इन दो द्वारपालों ने की, फिर भी सजा तो भुगतनी पड़ेगी, लेकिन उसे माफी दी जा सकती है। जो जानबूझ करके गलती करता है उसके लिए कोई माफी नहीं है, यह भी हमें समझना है। दूसरा, प्रभुपाद जी यहां पर बता रहे हैं, अपराध कई प्रकार के होते हैं, किंतु सबसे बड़ा अपराध है भगवत भक्त का अपराध, अपमान करना, भगवान के महान भक्तों का अपमान करना, वो सबसे बड़ा अपराध है। जैसे एक फाइनल जो है, एक प्रभुपाद जी का बड़ा सुंदर तात्पर्य है भागवतम में, महाराज परीक्षित ने जो अपराध किया वो बाई चांस था, संयोगवश था। महाराज परीक्षित भगवान के श्रेष्ठ भक्त हैं, अत्यंत श्रेष्ठ भक्त हैं, वो भगवान के भक्तों के प्रति अपराध नहीं करते, लेकिन गलती से उन्होंने एक बार अपराध किया। एक महान ऋषि, शमिक ऋषि, उनको मरा हुआ सांप गर्दन में पहनाया, उनका अपमान किया। और देखिए, जिस महाराज परीक्षित की रक्षा भगवान ने गर्भ में भी की, क्योंकि उन्होंने अपराध किया था, भगवान ने शाप के रूप में उनकी रक्षा दोबारा की, लेकिन शरीर की रक्षा नहीं की। 7 दिन में उनको शरीर छोड़ना पड़ा, लेकिन उनकी भक्ति की रक्षा की, वो बड़ा महत्वपूर्ण। इसलिए परीक्षित महाराज, जब उनको शाप मिला, उन्होंने बड़े सुंदर पूर्वक स्वीकार किया। उन्होंने कहा, भगवान मैं ऐशो आराम में इतना मग्न हो गया था कि मैं भूल गया था कि एक दिन मुझे शरीर छोड़ करके जाना है, आपने मुझे याद दिला दिया। अब कितने दिन भोग करोगे, तुम्हारे पास केवल 7 दिन बाकी है। तो मैं सोचता हूं भगवान, ये शाप नहीं है, ये शाप के रूप में आपका संरक्षण है। इट इज यू, एक शाप के रूप में कृष्ण आप ही उस ब्राह्मण के मुख से निकले हो, क्योंकि एक्चुअली ये सही है। ये शाप अगर नहीं मिलता, परीक्षित महाराज इस प्रकार से पूरे राज्य को नहीं छोड़ते, और उनकी भेंट किन से हुई, एक अत्यंत महान श्रेष्ठ सुखदेव गोस्वामी से, शाप के कारण। वो भी भगवान की ही संरक्षण है, भगवान की ही प्रोटेक्शन है। तो उन्होंने किस प्रकार से स्वीकार किया, इन दो द्वारपालों ने इस सजा को, इस शाप को किस प्रकार से स्वीकार किया, ये हम जो है यहां पर सीख सकते हैं। तो उस उपरांत में प्रभुपाद जी कुछ कहते हैं, उसको पढ़ता हूं, इंग्लिश में है, हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता हूं। बड़ा सुंदर वर्णन प्रभुपाद जी करते हैं और उसके बाद समाप्त करेंगे। द कंडीशन ऑफ मटीरियल वर्ल्ड आर सो मेड, वन हैज टू कमिट सिन विलिंगली और अनविलिंगली। भौतिक संसार इस प्रकार से बनाया गया है कि कई बार जाने में, कई बार अनजाने में हम गलतियां करते रहते हैं, अपराध करते हैं, पाप कर्म करते रहते हैं।
बेस्ट एग्जाम्पल इज महाराज परीक्षित, और उसका सबसे सुंदर उदाहरण है परीक्षित महाराज, हु वॉज रिकॉग्नाइज्ड सिनलेस पायस किंग, जिनको कहा जाता था पाप रहित राजा हैं, अत्यंत पुण्यवान राजा हैं, बट ही ऑल्सो बिकेम ए विक्टिम ऑफ ऑफेंस। लेकिन एक परिस्थिति ऐसी आई जब उन्होंने भी अपराध किया, दो ही वॉज एवर अनविलिंग टू कमिट सच ए मिस्टेक, वो कभी जानबूझ करके ऐसा अपराध नहीं करना चाहते थे, लेकिन परिस्थिति ऐसी आई कि वो अपराध कर बैठे। ही वॉज कर्स्ड, बट बिकॉज ही वॉज ए ग्रेट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, इवन सच रिवर्सेस ऑफ लाइफ बिकेम फेवरेबल। उनको शाप दिया गया, लेकिन फिर भी ये शाप भी उनकी इस भौतिक संसार से मुक्ति का कारण बना। द प्रिंसिपल इज, ये यहां पर प्रभुपाद प्रिंसिपल बता रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, हमें नोट करना चाहिए। प्रिंसिपल इज वन शुड नॉट विलिंगली कमिट एनी सिन, जान बूझ करके हमें कभी अपराध गलतियां नहीं करनी चाहिए, जानबूझ करके, जानने के बावजूद, अनजाने में अगर करते हैं, आगे प्रभुपाद जी बताते हैं। प्रिंसिपल इज वन शुड नॉट विलिंगली कमिट एनी सिन इन हिज लाइफ एंड शुड कॉन्स्टेंटली रिमेंबर द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड विदाउट डिविएशन, इवन इफ देयर आर एक्सीडेंटल सिन कमिटेड बाय द डिवोटी, लॉर्ड सेव्स द सरेंडर्ड सोल फ्रॉम ऑल सिन। अनजाने में, संयोगवश, कारणवश, अगर भगवान का भक्त कोई अपराध कर बैठता है, भगवान उसको संरक्षण प्रदान करते हैं, क्योंकि भगवान भगवत गीता में कहते हैं नमे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त जो है उसका पतन कभी नहीं होता है। तो ये जो है बड़ा सुंदर वर्णन है। और 11वें स्कंद में एक बड़ा सुंदर श्लोक भी आता है जो इस प्रिंसिपल का वर्णन करता है। ये प्रभुपाद का प्रिंसिपल नहीं है, ये वेदों में, भागवत में दिया गया प्रिंसिपल है कि जानबूझ करके अगर हम गलती नहीं करते, अपराध नहीं करते हैं, भगवान जरूर संरक्षण देते हैं, लेकिन जानबूझ करके करेंगे उसका कोई निवारण नहीं। तो कहते हैं स्वपाद मूलम भजता प्रियायसा, भगवान के जो स्वपाद मूलम, जो भगवान के चरण कमलों की सेवा में लगा हुआ है, भजता मतलब जो भगवान की भक्ति में इस प्रकार से लगा है, वो भगवान को अत्यंत प्रिय है। प्रियस्य त्यक्तानि अभावयसि हरि परेशः, क्यों अत्यंत प्रिय है? क्योंकि उसने बाकी सारी भावनाओं को छोड़ करके, बाकी सारे कर्मों को छोड़ करके भगवान के चरण कमलों का आश्रय उसने लिया है, वो अत्यंत भगवान को प्रिय है। विकर्मा यत् च उत्पतितम कथांचित, अगर कई बार गलती से विकर्म करता है, विकर्म का मतलब होता है पाप कर्म करता है, कुछ गलतियां करता है, कुछ अपराध करता है, संयोगवश एक्सीडेंटली अगर कुछ ऐसा करता है, धुनोति सर्वम हृदि सन्निविष्टः, भगवान जो उसके हृदय में बैठा है तुरंत भगवान उसके पाप कर्मों को धो देता है। मतलब अगर हम एक्सीडेंटली बाय मिस्टेक गलती से संयोगवश कुछ कुकर्म कर्म बैठते हैं तो भगवान जो है उसको माफ कर देता है, धो देता है। लेकिन अगर जानबूझ करके मैं भक्ति में हूं, भगवान का नाम जप कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अब मुझे लाइसेंस मिल गया है, किसी को भी कुछ बक दो, किसी को भी कुछ बोल दो, जो मन में आए करो, उस व्यक्ति का कोई निवारण नहीं है, ये हमें समझना है। तो अत्यंत सुंदर प्रसंग है, हम इस प्रसंग से बहुत सारी चीजें भगवान की भक्ति में सीख सकते हैं, और आगे जब अगली क्लास आएगी तो और हम लोग जो है इसका
वर्णन करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।